आनंदपुर साहब छड़िया, छे पौर आनंदपुर साहब छड़ के छे पौर रात नूं सरसा नदी कंडी ते पहुंच गए। सरसा नदी के कंडे दे उत्ते सत पौ वाले अमृत वेले महाराज कहते दया सिंह भाई मैनू भुख लगी है, सच्चे पातशाह हुण की लेके आईए, कोई खाना नहीं, अद्धी रात हुई भी है, सिंह भी भुखे तिहाए ने। महाराज कहते दया सिंह ओ भुख नहीं लगी मैनू, चेते कर इस वेले अमृत वेले आनंदपुर साहब की हुंदा सी। महाराज जी इस वेले आपां आसा जी दी वार दा कीर्तन करदे सी अमृत वेले। महाराज कहते फिर मैनू आसा जी दी वार दी भुख लगी है, गल कर सतनाम। पूरी आसा जी दी वार दा कीर्तन होया सत पो अमृत वेले, इधरों आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा है जी, उधरों दूजे पासे तो मुगल सेना ने आके घेरा पा लिया। इत्थे फिर अत दी लड़ाई हुई है, जंग हुई है, एक पासे कीर्तन हो रहे, एक पासे शस्त्र चलते पे। इत्थे फिर परिवार वख वख हो गया। इस जगह ते माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी ये अलग हो गए। भाई मनी सिंह जी, भाई मनी सिंह जी दे नाल पहला रोपड़ गए, रोपड़ तो भेस बदला लिता गया। भेस बदला के मनी सिंह ने सुदागरां वाले कपड़े पाए ते माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर नूं रथ विच बिठा के इह दिल्ली लै गए, जिथे गुरद्वारा साहिब बनिया होया है। ते दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह जी सरसा तो पार हो गए 40 सिंघां दे समेत। ये फिर आप जी दे नाल विचार जिहड़ी है कि अगली बार वड्डे साहिबजादे की शहीदी किवें हुई वो वखरा इतिहास है, तीन दिन आपां जिहड़ी विचार रखनी है ये छोटे साहिबजादे किधर नूं गए। सरसा नदी के उत्ते इत्थे गुरद्वारा साहिब बणिया परिवार विछोड़ा, इत्थे तीन विछोड़े पए ने जी। नंबर एक माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर जी अलग हो गए, दिल्ली चले गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी रोपड़ वल चले, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चमकौर की जंग वल चले जाते हैं, रोपड़ वल जिथे चमकौर की जंग में वड्डे साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। तो हुण गल करिए छोटे साहिबजादे, एक मैं होर बेनती करा क्योंकि बड़ी गुरु साहब ने कृपा कराई है कि मेहनत की। असी जिहड़ा इतिहास यह सुनते हैं कि सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, गंगू के घर पहुंच गए, मैं बेनती कर सरसा नदी ते विछोड़ा सत पोह नूं पैंदा नहीं, गंगू के घर पहुंचते हैं नौ पोह नूं। 24 किलोमीटर का फासला है, एक बंदा अगर नेविगेशन के अनुसार भी चले एक घंटे 8 किलोमीटर पैदल चलिया जाएगा, 3 घंटिया के पहुंच सकते सी, पर सत पोह का दिन कितने गए, सत पोह की रात कितने गए, 8 पोह का दिन कितने गए, 8 पोह की रात कितने गए, 9 पोह का दिन, 2.5 दिन साहबजादे कितने चले। यह इतिहास आप जी के अगे रखना। जो तो सरसा नदी से विछोड़ा पिया, कोई इस पासे कोई उस पासे, उदों फिर साहबजादे छोटे माता गुजर कौर जी ने नाल चल पे जी। माता गुजर कौर जी साहबजादे नाल लेके चले, अल्लाह यार खां योगी होया जिन्हें बहुत सोहना शेर लिखे ने, वह लिखता है रस्ते से भटक गए जब नन्ने सवार थे, तकते पिता को चारों तरफ बार बार थे, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दादी जी कहते दादी जी अपने सिपाही नहीं दिंदे कितने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़प
पाके हाए मूरत माही किधर गए। माता जी कह लगे पुत्र आ जाएंगे, वो जंग लड़न गए ने। कनिका तो सतनाम। अच्छा बाबा जोरावर साहब जी कहते हैं, जब रन अजीत जीत के तसरी फलाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। मनाएंगे हमको लगा के गले, कहेंगे बार बार मन जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हार। सानू कहेंगे मान जाओ पर उस जावांगे। सत्संग जी गल्ला कर रहे ने छोटे साहब जाते, इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, फिर वादा करांगे बार दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी। अपा वादा लवांगे मुड़ के सन छड़ के नहीं जा, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कहीं, कह देते हैं हम यूं भुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जाने, बेखत्या रो दिया सवाला शाह ने। उस समय साहबजादे पहली जिहड़ी रात पैंदी आ जी, इह सत्संग तों पिंड आंदा जी कुम्मा माशकी। कवि संतोख सिंह जी भाषा विभाग दे विच ग्रंथ है जी, श्री गुरु सूरज प्रताप ग्रंथ। उस ग्रंथ के पन्ना नंबर 4868 लिखते ने, एक दुरात कहूं बस कह तट सौद्रव के गमनों पे कथाई। अगे फिर कुमा माशाकी दी कुली दी पहली रात मैं जिक्र कर रहा हले, बाकी सतपो दी रात, अठपो दी रात, नौपो दी रात, बाकी इतिहास अगे किवें बीतदा है।